हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा फर्स्ट थ्री फिंगर गेम प्ले वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप थ्री फिंगर गेम प्ले स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इसका सलूशन क्या है और आप आसानी से कैसे थ्री फिंगर गेम प्ले करना सीख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं थ्री फिंगर गेम प्ले कर रहा हूँ। और अगर आप थ्री फिंगर गेम प्ले कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अगर दो फिंगर से खेलते हैं तो एक अलग लेवल का आपको मज़ा आने वाला है अगर आप थ्री फिंगर गेम प्ले सीख जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे डेली गेमिंग चैनल का प्रमोशन किया जाता है। जी हाँ, तो बस आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हम आपकी गेमिंग चैनल का प्रमोशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं थ्री फिंगर टिप्स के बारे में। और हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, मैंने अपने आंखों के सामने एक फ़ोन रखकर रिकॉर्ड किया है, तो ये गेम प्ले उतना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि आगे फ़ोन रखकर गेम प्ले रिकॉर्ड करना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई गेम प्ले करना। तो चलिए हम अपने बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहले टिप्स है, अगर आप शुरू शुरू में थ्री फिंगर गेम प्ले स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल ही नूब वाला फीलिंग आएगा। जी हाँ, आपको लगेगा कि आप बोट हैं और आप बिल्कुल भी अच्छे से गेम प्ले नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपको क्या करना है कि आपको छोड़ना नहीं है। जी हाँ, आप क्या करिएगा, एक गेम प्ले करके आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, एक गेम प्ले करके आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, फिर 10-15 मिनट के बाद दोबारा ओपन करिएगा और फिर गेम स्टार्ट करिएगा। इस तरह से करके आपको रेस्ट ले लेकर आपको गेम प्ले करना है। अगर आप रेस्ट लेकर गेम प्ले करेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और आप थ्री फिंगर आसानी से खेलना भी सीख जाएंगे। उसके बाद से हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है, ज़्यादातर टीडीएम गेम प्ले करना है। जी हाँ, अगर आप टीडीएम गेम प्ले करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा किल करने के लिए मिलेगा। अगर आप टीडीएम गेम प्ले करते हैं तो मान लीजिए आपको ज़्यादा फायर बटन भी दबाना रहेगा। और मान लीजिए अगर आप क्लासिक खेलते हैं, रैंक खेलते हैं, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा और बहुत टाइम टाइम के बाद से इनेमी दिखेंगे। लेकिन अगर आप टीडीएम खेलेंगे तो आप लगातार किल करने के मौके पाएंगे और आप लगातार फायर बटन क्लिक करेंगे। तो अगर आप टीडीएम खेलेंगे तो बहुत तेज़ी से आप थ्री फिंगर गेम प्ले करना सीख जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रेस्ट ले लेकर आपको थ्री फिंगर गेम प्ले करना है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ बहुत टाइम तक 1-2-3 घंटे तक गेम प्ले करते रहें और पूरी तरह से बोर हो जाएं, उसके बाद से आप फिर क्या करें उसी तरह से आ जाएं जैसे आप टू फिंगर गेम प्ले करते हैं, फिर आप टू फिंगर गेम प्ले करना स्टार्ट कर दें बोर होकर। तो आपको रेस्ट ले लेकर थ्री फिंगर गेम प्ले करना है। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो फायर बटन रहता है उसको कभी भी आपको दोनों को अलग अलग नहीं रखना है, दोनों को एक पास ही रखना है, दोनों को आपको ऊपर ही रखना है। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है कि अगर आप थ्री फिंगर सीखना चाहते हैं तो जो फायर बटन है उसको आपको ऊपर ही रखना है। जैसे यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने दोनों एक पास रखा हुआ है ताकि मेरा माइंड किसी और तरफ ना जाए और वहीं पर क्लिक हो जहाँ हमने फायर बटन दोनों को रखा हुआ है। तो अगर आप दोनों फायर बटन एक जगह पर रखते हैं तो आप बहुत तेज़ी से थ्री फिंगर गेम प्ले ईजिली सीख पाएंगे। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत तेज़ी से थ्री फिंगर गेम प्ले सीख जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गेमिंग चैनल प्रमोशन के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।